हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे डीएलएड 2019 बैच प्रशिक्षुओं से रिलेटेड और डेडिकेटेड वीडियो आपके परीक्षा से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे तैसे करके आपकी परीक्षाएं संपन्न कराई गई, लेकिन उसके बाद से जो भी हलचले मचे हैं और जो भी सुर्खियाँ बनी हैं डीएलएड को लेकर, एक तरह से आप कह सकते हैं हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अभी आज मॉर्निंग में आपने जब पेपर उठाया होगा तो ई पेपर वाले, तो फ्रेंड्स कल के भी ई पेपर में ये सुर्खियाँ बनी हुई थी और आज भी अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सुर्खियाँ बनी हुई हैं कि दोस्त की प्रेमिका के लिए बेचे गए डीएलएड के पेपर। और ये आप सभी का मैनपुरी, फिरोजाबाद, कौशाम्बी, ऐसी जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे संस्थान से ये निकल के आ रही है। और प्रश्न पत्र लीक जो है सिलसिला अभी भी कहा जा रहा है कि मतलब ये थमा नहीं है और कई जिलों में ये एक सालवर गैंग द्वारा लीक किया जा रहा है। साथ ही फ्रेंड्स, इसके द्वारा जो है पुलिस भी, अब देखिए अगर हम ये कहें कि नहीं ये अब जो वायरल नहीं हो रहा है या फिर वायरल ना करो, तो फ्रेंड्स ये ऑलरेडी जो है वायरल हो चुका है और ई पेपर वाले भैया ने लगातार 2 दिन ये पब्लिश कर दिया है और पुलिस टीम जो है इस पर अब काम करना स्टार्ट भी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, और यहाँ देख सकते हैं बुधवार को जो भी आपका फिरोजाबाद, मैनपुरी व कौशाम्बी जिले में डीएलएड के प्रश्न पत्र लीक हुए। मैनपुरी में कोतवाली पुलिस ने 4 छात्रों को समय से पूर्व प्रश्न पत्र हल करते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही फिरोजाबाद में एक परीक्षार्थी जींस पर उत्तर लिखकर लाया था। अब आप खुद समझ सकते हैं पेपर लीक होने के बाद इन लोगों ने, पेपर लीक हो गया तभी भी पता नहीं इनका दिमाग किस वे से काम कर रहा है, पता नहीं ये टीचर कैसे बनेंगे। जब पेपर जो है आपका लीक हो गया है उसके बाद से भी उसके प्रश्नों का उत्तर वो लीक कर ले जा रहे हैं, फिर ये टीचर क्या बनेंगे? इनको जब इतना याद नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसे प्रशिक्षुओं के साथ, देखिए इन कुछ लोगों की वजह से जो भी प्रशिक्षु इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके ये सोचे थे कि हम जल्द से जल्द एग्ज़ाम देंगे, सुपर टेट क्लियर करेंगे, तो इन लोगों की लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं उनको भी जो है इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त जो है इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर से आगे से कोई प्रशिक्षु जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं कम से कम ऐसा कुछ ना करें। ऐसा भी कि नहीं है कि ये परीक्षा आपका जो है बहुत बड़े लेवल का हो रहा है, नहीं, अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको पढ़ना भी चाहिए, अगर नहीं पढ़ना है तो फिर छोड़ दीजिए ना, करने की क्या ज़रूरत है, कोर्स ओनली दिखाना है क्या कोर्स करके? तो फ्रेंड्स इसी को लेकर सारी बातें हैं। और यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है कि चेकिंग के दौरान उसे केंद्र से बाहर कर दिया गया और जींस बदलकर आने को कहा गया। वहीं कौशाम्बी में डीएम ने पर्चा लीक होने की बात को जो है भ्रामक बताया है, यानी कि कहा है उन्होंने कि ये सारी बातें भ्रामक है। मामले में उन्होंने डायर प्राचार्य से रिपोर्ट तलब की है और इसी को देखते हुए पीएनपी सचिव जी की तरफ से भी जिला संस्थानों को, पर्यवेक्षकों को नोटिस जारी करके सख्त निर्देश दिया गया है कि सारी कार्रवाई पूरी करके हमें आख्या दी जाए कि क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। इसके संबंध में फ्रेंड जल्द ही पीएनपी की तरफ से एक्शन लिया जाएगा और इसमें देख सकते हैं कहा जा रहा है पूरी तरह से। और इस पर जो है, अब देखिए ये बिल्कुल बात झूठ नहीं है, क्योंकि जो है पेपर आप सभी के लीक तो हुए हैं, जब प्रशिक्षु पकड़े गए हैं, जब पुलिस ने जो है छात्रों को पकड़े हैं, तो हम ऐसे तो कहेंगे नहीं कि नहीं ये झूठ है, झूठ है, पेपर तो लीक हुआ है। लेकिन इसके संबंध में पीएनपी को ये चाहिए अब कि जहां भी ऐसी खबरें आ रही हैं वहीं बस प्रशिक्षुओं का पेपर कराया जाए, और ख़ासकर गणित पेपर को लेकर जो है ये सारी बातें चल रही हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2-2 हज़ार में पेपर को बेच दिया गया। अब 2 हज़ार की क्या कीमत आपके सामने, क्योंकि अगर आप फिर से पेपर सारे रद्द होंगे तो फिर आपको तैयारी करना पड़ेगा, फिर आप सभी को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर आपका टेट, सुपर टेट सब बाहर चला जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, पीएनपी को इसके खिलाफ जिन भी प्रशिक्षुओं के, जहाँ भी ये सब कुछ हुआ है, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और फिर से जो है जो भी हो संभव हो सके वो प्रक्रिया अपनानी चाहिए। लेकिन जहाँ से ये खबर ओनली आ रहा है, जैसे मैनपुरी हो गया, फिरोजाबाद हो गया, ठीक है, और आपका कौशाम्बी हो गया, इन ज़िलों से जो है ज़रूर पीएनपी को एक्शन लेना चाहिए। और ख़ासकर देखिए लीक की जो मामला है वो आपके मैथ सब्जेक्ट में आ रही है, और देखा आपने सेकेंड सेमेस्टर में जब ऐसे ही मैथ को लेकर जो भी हेडलाइंस बनी, उसके बाद से जो है
गणित का पेपर रद्द कर दिया गया और जब सेकेंड बारी पेपर हुआ तो कहीं ना कहीं बैक प्रशिक्षकों का बैक लग गया, क्योंकि जब सेकेंड बारी पेपर होता है तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं सही से आप पेपर नहीं कर पाते हैं और पेपर थोड़ा चेंज भी हो सकता है। जैसे कि बैक प्रशिक्षकों का हुआ, आप अभी देखें उदाहरण की तरह से। तो फ्रेंड्स बस हम यही कहेंगे पीएनपी सचिव जी से, बस हम यही कहेंगे अगर कुछ करना ही है तो जहाँ से ये खबरें निकल के आ रही हैं उस पर सख्त एक्शन लिया जाए और उसके संबंध में उन्हीं जिलों संस्थानों में जो है जो भी है आगे की प्रक्रिया की जाए, ठीक है। बाकी जहाँ से नकल विहीन परीक्षाएँ कराई गई हैं उनको जो है अच्छे से जो भी हुआ है ठीक है ठीक है, लेकिन जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही है उनके ऊपर ये सख्त कार्रवाई की जाए। और सख्त देखिए गणित पेपर को लेकर ये जो भी हल्ला मचा है इसको लेकर ही मचा है और इसमें जो भी प्रशिक्षु हैं वो गिरफ्तार भी किए गए हैं, ठीक है। अब आगे की कार्रवाई क्या होती है इस पर अब पीएनपी विचार करेगा, लेकिन हाँ आपके जो पेपर हैं वो लीक हुए हैं, ठीक है। आगे जो भी अपडेट आएगा फ्रेंड्स आप सभी को इस चैनल पर ज़रूर दी जाएगी, लेकिन बस हम यही कहेंगे उन प्रशिक्षकों से कि अगर आपको पढ़ना ही नहीं था तो फिर आप डीएलएड क्यों कर रहे हैं, जब आपकी तैयारी ही नहीं है तो फिर परीक्षा क्यों दे रहे हैं। आपकी एक गलती की वजह से आप देख रहे हैं आज सुर्खियाँ बनी हुई है और कहीं ना कहीं खतरा लगभग सभी प्रशिक्षकों पर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या ही कहा जाए, बस आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये बात पीएनपी सचिव जी की पास पहुंच सके और जहाँ भी ऐसी मामले आ रहे हैं ऐसी बातें हो रही हैं वहीं बस एक्शन लिया जाए। और ये जो भी आपकी खबर है अब देखिए ये पुलिस प्रशासन में भी अब आ चुका है, अब पीएनपी अगर न चाहते हुए भी अब उसको एक्शन लेना पड़ेगा और एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा अगर ज़्यादा मामला बिगड़ गया तो, समझ रहे ना। तो बाकी फ्रेंड्स कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को ज़रूर दी जाएगी, इस चैनल के साथ बने रहें। और कल शाम को पीएनपी के थ्रू आपने देखा होगा आख्या मांगी गई है और इसका जवाब जो है आप सभी को जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैनल के साथ बने रहें, डीएलएड के सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आई होप कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देखकर फ्रेंड्स देखिए आप टेंशन मत लीजिएगा, बाकी आपके जो विचार हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा कि क्या ऐसे प्रशिक्षकों को जो है मतलब छोड़ना चाहिए कि इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी ही प्रक्रियाएं चलती रही तो पूरा डीएलएड जो भी हमारा आप कह सकते हैं परिवार है वो कहीं ना कहीं बदनाम होता रहेगा, है ना फ्रेंड्स। और इसके खिलाफ जहाँ भी ऐसी खबरें आ रही हैं सख्त एक्शन लेना चाहिए, लेकिन बस वहीं एक्शन लेना चाहिए जहाँ से ये खबरें आ रही हैं। बाकी आगे कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को ज़रूर दी जाएगी, इस पर कार्रवाई की प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।